वेलकम गाइस आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में आज का टॉपिक आपको पता ही चला होगा आपने थंबनेल जब देखा होगा हम बात करेंगे आज एम के बारे में इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशनज हैं उनके मुतलिक और जो यहाँ के रोलोवर्स है उनके मुतलिक तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करके रखना कि जितना भी आपके पास स्कोर होगा मान लो यहाँ पे फिफ्टी एम सी क्यूज़ होंगे या ट्वेंटी होंगे जितने भी होंगे तो आपको क्या करना होगा जो एम सी क्यूज़ का आपको पता है आंसर आप उसको खुद ही देख लीजिएगा उसके बाद आप ऐसा कीजिएगा फिर मुझे नीचे स्कोर बताइएगा कमेंट करके तो पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज़्म सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जी हाँ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जे के टी डी सी अच्छा दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहा है तो आंसर आपको खुद ही बताना है वन वाज जे के टी डी सी जी हाँ वन वाज जे के टी डी सी जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब इस्टबलिश हुई थी कब वजूद में आया था तो इसका आंसर हम देख लेते हैं नीचे थर्टीनथ फेब 1970 जी हाँ तेरह फरवरी 1970 को जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वजूद में आया था उसके बाद सिटी ऑफ जम्मू इज़ पॉपुलरली नोन एज़ हमने ऑलरेडी ये लेक्चर्स में पढ़ाया है कि सिटी ऑफ जम्मू का दूसरा नाम क्या कहा जाता है द सिटी ऑफ जम्मू इज़ पॉपुलरली नोन एज़ आप ज़रूर अपना स्कोर नीचे कॉमेंट कर लेना तो सिटी ऑफ जम्मू के को क्या बताया जाता है सिटी ऑफ टेम्पल जी हाँ सिटी ऑफ टेम्पल यहाँ पे सिटी ऑफ जम्मू इज़ ऑल्सो नोन है सिटी ऑफ टेम्पल चलिए चलिए बढ़ लेते आगे विच ऑफ़ द प्लेसेस इज़ नोन एज द गेट वे ऑफ द कश्मीर वैली जी हाँ दो क्वेश्चन है एक है गेट वे ऑफ कश्मीर वैली जी हाँ गेट वे ऑफ कश्मीर वैली के वैली और दूसरा आपके पास क्वेश्चन आएगा गेट वे ऑफ जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर पहले हम पढ़ लेंगे गेटवे वे ऑफ गेट ऑफ कश्मीर वैली तो डिस्कस कर लेते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर वैली कौन सा है जम्मू और अब मैंने आपसे कहा था कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है डिस्ट्रिक्ट कठुआ जी हाँ याद रखना डिस्ट्रिक्ट कठुआ क्वेश्चन आ सकता है कि जेके का गेट कौन सा है जे एंड के का डिस्ट्रिक्ट कठुआ कश्मीर का कौन सा है जम्मू जी आगे बढ़ लेते हैं हु लुक्स ऑफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ़ माता वैष्णो देवी टेम्पल हु लुक्स ऑफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ़ माता वैष्णो देवी टेम्पल जी हाँ हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ़ माता वैष्णो देवी टेम्पल इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो मैनेजमेंट है सारा काम काज कौन देखता है आगे बढ़ते है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जी हाँ विष्णो देवी श्राइन बोर्ड हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऑलरेडी ये पढ़ा है अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छी तरह से देखा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ़ जम्मू एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशनज ऑफ कश्मीर तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और करने में ये क्वेश्चन सॉलो मुश्किल नहीं होगा तो आगे बढ़ लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नोन एज छोटा कश्मीर ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है आपके साथ और आपको पढ़ाया हुआ है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेस इन इज़ इन इज़ नोन एज सॉरी इज़ नोन एज छोटा कश्मीर तो आगे बढ़ लेते हैं बदरवा यहाँ जी हाँ बदरवा को छोटा कश्मीर का नाम दिया गया है विच रूलर जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच रूलर बिल्ट एन आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हरी पर्वत एंड प्लानड एंड न्यू कैपिटल कॉल्ड नागोर नागर नगर टू बी बिल्ट विद इन द वॉल जी हाँ ये थे अकबर जी इस इन्होंने क्या किया था ये आगे भी पढ़ेंगे हम हरि पर्वत जो फोर्ट है वो किसने बनाया था अकबर ने रिनोवेटेड जी हाँ किसने रिनोवेट किया था भीमगढ़ फोर्ट एक हो गया भीमगढ़ फोर्ट को किसने बनाया वो अलग बात है रिनोवेट किसने किया उसकी जो एक बार फिर देखभाल होती है यानी कहीं पे अगर कोई ख़राबी हुई होगी फोर्ट में तो रिनोवेट किसने किया उसको किसने ठीक किया महाराजा गुलाब सिंह जी हाँ महाराजा गुलाब सिंह आज का जो हमारा लेक्चर था वो डोगरा रूल पे था और महाराजा गुलाब सिंह हमने आज पढ़ा उसके साथ साथ महाराजा रणबीर सिंह भी सिंह भी हमने आज पढ़ा तो भीमगढ़ फोर्ट किसने रिनोवेट किया महाराजा गुलाब सिंह ने चलिए आगे पढ़ लेते हैं विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स जी हाँ मीडो ऑफ फ्लावर्स कौन किस जगह को कहा जाता है विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स किस जगह को मीडो ऑफ फ्लोर्स कहा जाता है गुलमर्ग जी हाँ यहाँ पे अगर ये होता मीडो ऑफ फ्लोवर्स की जगह अगर मीडो ऑफ गोल्ड होता तो आप क्या टिक कर लेते मीडो ऑफ गोल्ड तो आप क्या कहते सोनामर्ग गोल्ड का मतलब सोना एंड यहाँ पे कश्मीर में सोनामर्ग है तो बढ़ते आगे विच इज़ द ओनली डोमड मास्क इन श्रीनगर ओनली डोमड मास्क श्रीनगर में कौन सी है ये आपको पता होगा हज़रत बल श्राइन जी हाँ हज़रत बल जिसको हम दरगाह के नाम से भी जान जाना जाता है दरगाह हज़रत बल जहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी वाक़ा है आगे बढ़ लेते हैं अपना जो स्कोर है वो नीचे ज़रूर कमेंट कर लेना उससे आपका स्कोर पता चलेगा द रिजॉर्ट नोन फॉर इट्स गॉफ कोर्स द हाइस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है गुलमर्ग जी हाँ गुलमर्ग उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं टू विच हिंदू गॉड इज़ सन मार्टन सन टेम्पल एट्रीब्यूटेड जी हाँ किस हिंदू गाड गॉड को मार्टन सन टेम्पल एट्रीब्यूट किया गया है तो जी हाँ लॉड सूर्या को लॉड सूर्या को डेडिकेट किया गया है कौन सा मार्टन सन टेम्पल उसके बाद मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय ये किसने बनाया था इसको किसने बनाया था आपको जी हाँ आप बताइएगा गेस्ट कीजिएगा ललित दत्ता मुक्त पिदा जी हाँ ललित दत्ता मक्त पिदा आपको ये बताना यहाँ पे लाजमी समझ रहा हूँ मैं कल हमने ये कंप्लीट किया कश्मीर का कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसमें हमने ललित दत्ता को पढ़ा अच्छी तरह से ललित ललित दत्ता मक्त पदा वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे जी हाँ ग्रेटेस्ट रूलर करकोटा डानासिटी के तो आगे बढ़ लेते हैं इसकी बात कर रहा था मैं करकोटा डाइनासिटी के ही ललित ददा मुक्त पिदा ग्रेटैस्ट रूलर माने जाते थे विच प्लेस इज़ पॉपुलरली नोन एज वीनस ऑफ ईस्ट किस जगह को विनस ऑफ ईस्ट कहा जाता है श्रीनगर जी हाँ ये आपको ज़रूर पता होगा हमने ये भी पढ़ा है ऑलरेडी वन लाइनर क्वेश्चन विच सिख गुरु विजिटड द गुरुद्वारा सिचुएट इन द हरी पर्बत फोर्ट कौन से सिख गुरु ने विज़िट किया हरी पर्बत फोर्ट जो है वहाँ पे गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह उसे छठी पातशाही कहा जाता है रैनावारी में वाकई है श्री डाउन टाउन श्रीनगर में विच फोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज रियासी फोर्ट जी हाँ रियासी फोर्ट किसे कहा जाता है क्वेश्चन है विच फोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज रियासी फोर्ट भीमगढ़ फोर्ट जी हाँ भीमगढ़ फोर्ट को कहा जाता है रियासी फोर्ट आगे बढ़ते हैं जहांगीर बिल्ड द शालीमार शालीमार बाग यहाँ पे शालीमार बाग है बाग है इन श्रीनगर फार किसके लिए बनाया नूर जहाँ के लिए जी हाँ नूर जहाँ अपनी बेगम के लिए वाइफ के लिए नूर जहाँ हो स्टार्टड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर रघुनाथ टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्कड ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज हमने पढ़ा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हमने जो रूल है महाराजा गुलाब सिंह का यानी डोगरा रूल जब से कश्मीर में स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में वो हमने आज पढ़ा महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा महाराजा रणबीर सिंह का जो हमने रूल है आज डिस्कस किया और हमने उसमें यह भी पढ़ा हुड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर आगे बढ़ते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी हाँ महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया और कंप्लीट किसने किया आगे पढ़ लेते वो क्वेश्चन आपको आएगा शाहरा शरीफ इन राजौरी हैज़ द श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह जी हाँ बाबा गुलाम शाह आगे बढ़ लेते हैं फॉर विच हज़रत बल श्राइन इज़ फेमस फॉर हज़रत बल श्राइन किस लिए फेमस है मुहम मुकदस के लिए जी हाँ बिलीवड टू बी हेयर ऑफ़ मोहम्मद अलैहि वसल्लम ये वाला मुहमकदस आगे बढ़ लेते हैं अंदर अंडर द रूल ऑफ विच किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कम्प्लीटेड ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है किस किंग के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कंप्लीट हुआ जो अभी हमने पढ़ा कि रघुनाथ टेम्पल को शुरू किसने किया था मार महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंडेशन और कंप्लीट किसने किया जी हारणबीर सिंह ने ये आपको पता होगा अगर आपने लेक्चर्स हमारे देखे तो चल चलिए आगे बढ़ लेते हैं विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज तख्ते सुमान किस टेम्पल को तख्ते सुलेमान भी कहा जाता है शंकराचार्य टेम्पल को कहा जाता है तख्ते सुलेमान क्योंकि वो जिस पहाड़ पे है जिस हिल पे है उसको तख्ते सुलेमान भी कहा जाता है हु कंस्ट्रक्टेड द हरी परबत फोर्ट इन श्रीनगर किसने कंस्ट्रक्ट किया हरी पर्वत फोर्ट को तो आगे बढ़ लेते है पढ़ लेते है आंसर सॉरी हु कंस्ट्रक्टेड द हरी पर्वत फोर्ट वह अब हम डिस्कस करेंगे अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान जी हाँ अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान कहा जाता है कि अफगान का जो रूल था यहाँ पे वो दैट वाज वेरी मच क्रोअल रूल उन्होंने किया है अफ़ानस ने यहाँ पे कश्मीर में और uh, हरी पर्वत फोर्ट किसने बिल्ड किया अफगान गवर्नर अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान कंफ्यूज नहीं होना हर हरी की जो आउटर वॉल्स है अभी हमने पढ़ा आउटर वॉल्स जो है और एक फोर्ट है तो आउटर वॉल्स किसी और ने, कंस्ट्रक्ट किया है और ये जो इनर यहाँ पे जो चीज़ें है बाकी जो मोनोमेंट्स से इंटरनल वो किसी और ने ये किया है यानी वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद ने किया और फोर्टिफिकेशन उसकी बाकी ने किया अभी आगे पढ़ लेंगे हम द फर्स्ट जी जी अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी परबत फोर्ट फोर्ट वाज कंस्ट्रक्ट हरी परबत वाज कंस्ट्रक्ट बाई किसने किया था अकबर ने मैंने अभी आपसे कहा कि जो उसकी फोर्टिफिकेशन थी बाहर के जो वॉल्स थे उसकी फोटो फो, फोटोफिकेशन यानी उसको कवर कर लेना उसको बंद बंद कर लेना अकबर ने किया था 1590 में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे एम्पर इंपॉर्टेंट है बादशाह किंग का नाम जरूरी याद रखना है वो कंस्ट्रक्टेड द शंकराचार्य टेम्पल जी हाँ शंकराचार्य टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था गो, राजा गोपाला दतिया जी हाँ राजा गोपाला दतिया ठीक है आगे वो इस्टेबलिश द नगल साहिब गुरुद्वारा ऑफ पुंच संत बाई मेला सिंह जी हाँ संत बाई मेला सिंह आगे बढ़ लेते हैं हरि पर्वत हैज हैज द श्राइन्स ऑफ जी हाँ हरी पर्वत पर्वत फोर्ट वहाँ पे बहुत सारे श्राइनज़ है कौन कौन सी श्राइनज़ है देख लेते हैं एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन जो हम बात करेंगे श्राइन ऑफ शरीका माता ठीक है मखदूम साहिब श्राइन ऑफ हमज़ा मखदूम जिसे दोनों नाम कह सकते हो आप मखदूम साहिब भी कहा जाता है श्राइन ऑफ हमजा मखदूम भी कहा जाता है और गुरुद्वारा छठी पातशाह जी हाँ ये तो ये जो दोनों एक तो श्राइन ऑफ माता शरीका माता है और मखदूम साहिब श्राइन जो है वो फोर्ट के साथ में ही है और बॉटम में श्राइन ये गुरुद्वारा छठी पातशाही ये यहाँ पे शुरुआत में जी हाँ शुरुआत में जहाँ पे मैं अभी आपको बता लेता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए मान लो ये फोर्ट है सारी ये हरी पर्वत का जो वहाँ पे एक हिल है यहाँ पे हरी पर्वत का ये फोर्ट है यहाँ पे जो मा, ये मखदूम श्राइ, श्राइन है मखदूम मखदूम साहब की और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में गुरुद्वारा छठी पा चाहिए विच सिख गुरु इज़ बिलीव टू ओकेजनली विजिट द हरी पर्वत किसने विजिट किए गुरु हरगोबिंद सिंह जी हाँ गु, गु, गुरु हरगोबिंद सिंह वट आर द अदर नेम्स ऑफ हरी पर्वत दुरानी फोर्ट और कोहे महारान जी हाँ कोहे मारान भी इसे कहा जाता है हरी पर्वत का दूसरा नाम क्या है दुरानी फोर्ट और कोहे मारान। नाम याद रखिएगा दुरानी फोर्ट और कोहे मारान। हो बिल्ट स्टोन स्टेयर्स एट द शंकराचार्य टेम्पल जी शंकराचार्य टेम्पल जो श्रीनगर के डल गेट साइड से आपको नजर आएगा उसको किसने बिल्ड किया है स्टोन स्टेयर्स सॉरी उसको उसके जो स्टोन स्टेयर्स है उसको किसने बनाया है तो ये महारा राजा गुलाब सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया हो बिल्ट शालीमार शालीमार बाग आ, हमने पढ़ा कि शालीमार बाग किस ने बनाया है तो ये बनाया है जहांगीर ने फॉर हिज़ वाइफ नूर जहाँ ठीक है आगे बढ़ लेते हैं हो बिल्ड बाग निशाद बाग किसने बनाया जी हाँ ये यह यहाँ पे जो नूर जहाँ है इसका हम थोड़ा सा आ, इसके साथ थोड़ा सा मैं समझा लेता हूँ नूर जहाँ के बाई ने निशाद बाग को बनाया था और जहाँ के बाई का नाम क्या था आसिफ खान जी हाँ आसिफ खान एल्डर ब्रदर ऑफ़ नूर जहाँ हो बिल्ड याद रखना एक बार फिर हम इसको रिपीट कर हुट शालीमार बाग जहांगीर और अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए एंड हो बिल्ड निशाद बाग निशाद बाग वाज बिल्ड बाई आसिफ खान इज हो वाज हो इज एल्डर ब्रदर आफ नूरजहां तो आप अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट कीजिए और बस तब तक हम लेके आते हैं दूसरा लेक्चर आपके लिए